नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं ऐश्वर्या कपूर आपको रूबरू करवाऊंगी विज्ञान और तकनीक की दुनिया की ताज़ा हलचल से। लेकिन पहले नज़र विज्ञान जगत की सुर्खियों पर। भूकंप से नेपाल में भयंकर तबाही, उत्तर भारत तक कांपी धरती, वैज्ञानिकों ने पहले ही दी थी भूकंप की चेतावनी। चावल में अब नहीं होगा खतरनाक रसायन, फोक राइस की ऑर्गेनिक खेती से जागी नई उम्मीद। घर बैठे एचआईवी की जांच हुई मुमकिन, समय रहते चल सकेगा बीमारी का पता। कोच खबर सेगमेंट में आज देखिए क्या है भूकंप आने की वजह और कितने भयानक हो सकते हैं इसके नतीजे, और भूकंप आने पर क्या करें क्या ना करें, कैसे बचे भूकंप के खतरों से। और अब खबरें विस्तार से। हमारा खूबसूरत पड़ोसी देश नेपाल तबाह हो गया है। 25 अप्रैल को आए भूकंप ने नेपाल को बर्बाद कर दिया है। भूकंप के तेज झटकों से उत्तर भारत तक धरती कांप उठी। इस जलजले ने हजारों लोगों की जान ली। अगर आप 21 फरवरी की हमारी रिपोर्ट याद करें तो इस भूकंप की चेतावनी उसी वक्त दी जा चुकी थी। पेश है एक रिपोर्ट। भूगर्भ विज्ञान के इतिहास में 25 अप्रैल 2015 एक काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा। इसी दिन नेपाल में रिक्टर स्केल पर 7.8 पैमाने का भयानक भूकंप आया, जिसकी थरथराहट पूरे उत्तर भारत में भी महसूस की गई। 1934 में बिहार में आए 8.2 पैमाने के भूकंप के बाद ये इस इलाके में दूसरा सबसे बड़ा भूकंप था। इस जलजले ने पूरे नेपाल में तबाही मचा दी, हजारों लोगों की जान गई। वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार इमारतें मिट्टी में मिल गईं और दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट के आसपास हिमस्खलन से भारी तबाही मच गई। भूकंप से पूरा नेपाल सदमे में है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पहले ही इसकी चेतावनी दे दी थी। जानकारों के मुताबिक नेपाल में भूकंप की आशंका सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन और एशियन नाम की दो टेक्टोनिक प्लेट्स के जोड़ पर बसा है। भूगर्भ विज्ञानियों के मुताबिक इन्हीं दोनों प्लेटों के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। मध्य हिमालय पर शोध कर रही वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि इस इलाके में 8 पैमाने का भूकंप आ सकता है। इस टीम में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के डॉक्टर सीपी राजेंद्रन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डॉक्टर कुशाल राजेंद्रन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के डॉक्टर बीजू जॉन शामिल थे। द सेंट्रल सेगमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ साइस्मिक गैप, व्हिच मींस दैट फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स देयर वर नो ग्रेट अर्थक्वेक। सो एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज अ क्रस्टल एक्रीशन दैट इज गोइंग ऑन देयर बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट व्हिच गोज अंडर द हिमालय। So there is a crustal strain that is accumulating all along the Himalayan arc. So it is calculated to be about 2 to 3 millimeters per every year. So the strain is accumulating 2 to 3 millimeters every year. So if you calculate that in terms of 100 years or a century, it means that 2 centimeters of slip is accumulating. So if there is no earthquake for 700 years, that is what we found out. It means that more than 8 to between 10 to 12 meters of slip is just there without being accommodated in earthquakes. So the slip has to be released through big earthquake. इन वैज्ञानिकों ने भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के तिब्बत की ओर बढ़ने की वजह से भूकंप आने की आशंका जताई थी। सैकड़ों साल शांत रहने के बाद भारतीय टेक्टोनिक प्लेट में हलचल मची है और ये तिब्बत की ओर बढ़ रही है। इससे पहले इस इलाके में 13वीं और 14वीं सदी में सिर्फ 2 भूकंप आए थे, वो भी इस बार आए भूकंप की तुलना में काफी कमजोर थे। इसका मतलब ये है कि इस इलाके में टेक्टोनिक प्लेट्स में लंबे अरसे से तनाव पैदा हो रहा था जो अब रिलीज हो रहा है। इसकी वजह से आने वाले समय में और भी भूकंप आने की आशंका है।
चावल खाने के शौकीन हैं तो अपना शौक पूरा करने के साथ साथ आप खतरनाक रसायन को भी अपना निवाला बनाते रहे होंगे। अब इस समस्या का हल भी निकल गया है। पश्चिम बंगाल स्थित फुलिया के एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर ने ऑर्गेनिक खेती में एक खास तकनीक विकसित की है जिसे चावल में रासायनिक पेस्टिसाइड से बचा जा सकेगा। हमारे देश में खाने में अगर चावल ना हो तो वो खाना अधूरा माना जाता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हमारी थाली में जो चावल परोसा जाता है उसमें भारी मात्रा में खतरनाक केमिकल और पेस्टिसाइड्स मिले होते हैं। इन भारी पैदावार वाली चावल की प्रजातियों की खेती आधुनिक तकनीक और केमिकल के इस्तेमाल के जरिए की जाती है, जबकि भारत में 82,000 से ज्यादा तरह के पारंपरिक चावल उपलब्ध हैं। अब पश्चिम बंगाल के फूलिया स्थित एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में ऑर्गेनिक खेती के जरिए पारंपरिक चावल को बचाने की कोशिश की जा रही है। शोधकर्ताओं की मदद से किसान पारंपरिक किस्म के चावल को ऑर्गेनिक खेती के जरिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 60 के दशक में हरित क्रांति के दौर में भारी पैदावार वाली चावल की प्रजातियों का इस्तेमाल शुरू हुआ था, लेकिन अब चावल की इन प्रजातियों का प्रबंधन भारी सिरदर्द बन गया है। ये प्रजातियां धरती से ज्यादा पानी सोखती हैं और इनकी खेती में केमिकल खाद और कीटनाशक का भी जमकर इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से धरती की पैदावार क्षमता कम होती जा रही है और पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। जाहिर है कि इस किस्म के चावल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लिहाजा एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर ने 2009 से 2014 के बीच किसानों में करीब 350 किस्म के पारंपरिक चावल के बीज वितरित किए हैं। इस पहल के बाद सेंटर को पश्चिम बंगाल में कई स्वास्थ्यवर्धक और खुशबूदार किस्म के चावल की खेती लोकप्रिय बनाने में सफलता मिली है। We are following single seedling planting, what we call SRI. Actually, this method was initially adopted by Mr. Aparanam Pillai in Madras province in 1904. These varieties, all varieties can be grown with single seedling. We transplant them 10 inches apart and line to line is 12 inches apart. And we get profuse tillering and good growth and also amazing grain yield. चावल के खुशबूदार किस्मों में काला भात और राधा तिलक और गैर खुशबूदार किस्मों में केरल सुंदरी और बहुरूपी मशहूर हैं। From February in 2013, we have distributed 126 rice varieties among 80 farmers. It's amazing for us, and we feel the farmers understand the value of these folk rice varieties. And they are getting the amazing yield, also the nutrition, and with low cost of cultivation. ऑर्गेनिक खेती के जरिए किसान कम कीमत पर भारी मात्रा में ये फसल उपजाने में सफल रहे हैं, जिसके लिए ना तो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और ना ही केमिकल खाद की। 300 से ज्यादा किस्मों के बीज मुहैया कराने के अलावा ये सेंटर किसानों को खेती के लिए प्रशिक्षण भी देता है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि भारी मात्रा में केमिकल खाद और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल आने वाले समय में खेती को बर्बाद कर सकता है। ऐसी खतरनाक हालत से बचने के लिए ऑर्गेनिक खेती के जरिए पारंपरिक किस्म के अनाज की खेती रामबाण साबित हो सकती है। सामाजिक बहिष्कार का डर अक्सर HIV एड्स के पीड़ितों के इलाज में रोड़ा बनता है। इतना ही नहीं, समय रहते जांच की सुविधा का अभाव भी इलाज के आड़े आता है। लेकिन अब बायोशोर HIV सेल्फ टेस्ट के रूप में एक नई उम्मीद जागी है। इस HIV टेस्ट किट के जरिए घर बैठे ही HIV का टेस्ट किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में HIV के करीब 3.5 करोड़ मरीज हैं। ये इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है।
आंकड़ों के मुताबिक भारत में एचआईवी मरीजों की संख्या दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। फिलहाल एचआईवी की जांच के लिए कई तरह के एंटीजन एंटीबॉडी और आरएनए पर आधारित जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर भी संकोच और सामाजिक बहिष्कार के खतरों की वजह से लोग एचआईवी जांच से कतराते हैं। हालत ये है कि हर 7 में से एक मरीज टेस्ट करवाने से कतराता है, लेकिन अब एचआईवी जांच की नई किट आने से इस समस्या का समाधान मुमकिन है। एचआईवी सेल्फ टेस्ट किट के जरिए घर बैठे ही आधे घंटे से भी कम समय में इस बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। I think a home test can help reduce undiagnosed HIV or late diagnosed HIV. We think it's a good thing. I am concerned about the amount of support that someone who tests at home and tests positive, what would they do? Where will they go? Will they know where to go? BioSure नाम की एचआईवी सेल्फ टेस्ट किट को प्रेगनेंसी किट की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, जो खून में एंटीबॉडी का स्तर नापता है। इस टेस्ट में लैंसेट के जरिए उंगली से खून की बूंद निकाली जाती है और किट के जरिए खून की बूंद में एंटीबॉडी का स्तर नापा जाता है। एचआईवी इन्फेक्शन के 3 महीने के बाद से ये एंटीबॉडी जांची जा सकती हैं। अगर जांच का नतीजा पॉजिटिव होता है तो बैंगनी रंग की 2 रेखाएं दिखती हैं। इसके बाद और जांच कराई जा सकती हैं। इस टेस्ट का एक्यूरेसी रेट 99.7% है। एचआईवी सेल्फ टेस्ट किट की बिक्री हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई है। उम्मीद है कि इस टेस्ट किट के जरिए एचआईवी एड्स की रोकथाम में काफी मदद मिलेगी। ज्ञान विज्ञान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। और देश और दुनिया में विज्ञान के मामले में क्या कुछ हो रहा है खास, आइए डालते हैं एक नजर हमारे अगले सेगमेंट में। नासा ने सोलर सिस्टम से बाहर जिंदगी की तलाश के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस मल्टीडिसिप्लिनरी पहल के जरिए नासा उन उपग्रहों की तलाश कर रहा है जहां जिंदगी की संभावना सबसे ज्यादा हो। इस पहल को नेक्सस फॉर एक्सोप्लैनेट सिस्टम साइंस या NEXSS नाम दिया गया है, जिसके जरिए 1 दर्जन से ज्यादा विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के जानकार और शोधकर्ता साथ मिलकर धरती के अलावा दूसरे उपग्रहों पर जिंदगी की तलाश में काम कर रहे हैं। NEXSS की अगुवाई नासा के MS रिसर्च सेंटर की नटाली बतालहा, नासा एक्सोप्लैनेट साइंस इंस्टीट्यूट की डॉन गैलिनो और नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के एंथनी डॉल जीनियो कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सचिव प्रोफेसर के विजय राघवन को US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के फॉरेन एसोसिएट के रूप में शामिल किया गया है। इस सिलसिले में वॉशिंगटन में हाल ही में एक समारोह का आयोजन किया गया। जैविक रिसर्च में अपने अहम योगदान के चलते प्रोफेसर विजय राघवन को पिछले साल NAS का फॉरेन एसोसिएट चुना गया था। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान माना जाता है। एकेडमी में करीब 2,250 सदस्य और करीब 440 विदेशी एसोसिएट्स हैं। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करीब 200 शख्सियत भी एकेडमी से जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर विजय राघवन ने मस्तिष्क में न्यूरोनल सर्किट, मोटर सिस्टम और मांसपेशियों के विकास पर गहरा अध्ययन किया है। चिली में कुछ शोधकर्ताओं ने एक नए और दिलचस्प डायनासोर का अवशेष खोज निकाला है। इस अवशेष में डायनासोर, थेरोपॉड, पक्षी और प्लेटिपस के मिले जुले फीचर्स हैं। ये अवशेष आइसन के पेटागोनियन इलाके में खोजा गया है। अभी तक दुनिया डायनासोर की इस प्रजाति से अनजान थी। इसका नाम चिलेसोरस डिएगो सुआरेजी रखा गया है। इस अवशेष में खोपड़ी और गर्दन लंबी गर्दन वाले डायनासोर की हैं, जबकि रीढ़ की हड्डी मांस खाने वाले थेरोपॉड जैसी हैं। अवशेष की बांह ताकतवर है और हाथ में सिर्फ 2 चपटी उंगलियां हैं।
जबकि पैरों में 4 अंगुलियां हैं। ये डायनासोर शाकाहारी है और इसकी एक चोंच भी है। भू संसाधन विभाग और इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बीच 29 अप्रैल को एक विशेष सहमति पत्र पर दस्तखत किए गए। ये सहमति इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए वेब जियो पोर्टल सृष्टि और मोबाइल ऐप दृष्टि के विकास के लिए की गई है। इस सहमति के तहत NRSC भुवन वेब पोर्टल सृष्टि और मोबाइल ऐप दृष्टि के जरिए वाटरशेड पर नजर रखने के लिए नई तकनीक का विकास करेगा। रिक्टर स्केल पर 7.8 पैमाने के भूकंप ने नेपाल में भयानक तबाही ला दी। जानकारों ने चेतावनी दी है कि हिमालय क्षेत्र में ऐसे भयानक भूकंप और भी आ सकते हैं, लिहाजा ये जानना जरूरी है कि भूकंप के खतरों से कैसे निपटा जाए। आखिर कैसे धरती के गर्भ में सीस्मिक तरंगे पैदा होती हैं और चारों दिशाओं को अपनी लपेट में ले लेती हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट खोज खबर। हाल ही में नेपाल और उत्तर भारत में आए भूकंप से पूरी दुनिया सकते में है। विनाशकारी भूकंप के नतीजे देखकर लोग अब तक सहमे हुए हैं। पुराने जमाने में लोग भूकंप को ईश्वर की नाराजगी मानते थे, लेकिन अब भूकंप आने की वजह दुनिया के सामने है। अब ये साफ हो चुका है कि धरती की सतह से अचानक ऊर्जा निकलने से भूकंप आता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक लाखों वर्ष पहले पृथ्वी की पूरी जमीन आपस में सटी हुई थी, जिसका नाम पेंजिया था। करीब 200 मिलियन साल पहले पेंजिया में दरार पड़नी शुरू हुई। सबसे पहले ये दो भागों में बटा। भूगर्भ वैज्ञानिक उत्तरी भाग को लॉरेसिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। जमीन के इन दोनों टुकड़ों में और टूट होनी शुरू हुई, जिसका नतीजा आज की धरती है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक जमीन में अभी भी बदलाव जारी है। पेंजिया में टूट की प्रक्रिया को प्लेट टेक्टोनिक के जरिए समझा जा सकता है। प्लेट टेक्टोनिक के मुताबिक धरती की बाहरी सतह या लिथोस्फेयर चट्टान के भारी भरकम टुकड़ों से बनी है। चट्टान के ये टुकड़े समुद्र की सतह से दूर होने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में ये आपस में टकराते भी हैं। इन चट्टानों की मोटाई 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक होती है। इनकी गति धरती की सतह के समानांतर और सतह के ऊपर दोनों दिशाओं में होती है। ये तय है कि इस प्रक्रिया में ये आपस में टकराएंगे और घर्षण होगा। घर्षण की वजह से चट्टानों की सतह पर भारी दबाव पड़ता है। दबाव के चलते चट्टानें टूटती हैं, जिससे सीस्मिक वेव पैदा होती हैं। ये तरंगे धरती की सतह के साथ साथ सभी दिशाओं की ओर बढ़ती हैं, जिसकी वजह से भूकंप पैदा होता है। धरती के भीतर जिस जगह सिस्मिक तरंगे पैदा होती हैं, उसे भूकंप का फोकस कहते हैं। इसके ठीक ऊपर धरती की सतह को भूकंप का एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप का फोकस केंद्र जितना कम गहरा होता है, भूकंप उतना ही भयानक होता है। नेपाल में यही हुआ है। वैसे भारत में भयंकर भूकंप का अपना इतिहास है। जानकारों के मुताबिक भारत में बार बार और भयंकर भूकंप आने की वजह भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का एशिया की ओर बढ़ना है। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय प्लेट के एशिया की दिशा में बढ़ने की रफ्तार 47 मिलीमीटर प्रति वर्ष है। भारत में 4 सीस्मिक जोन्स हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत के करीब 54% हिस्से में भूकंप आने की आशंका बनी रहती है। इन चारों सीस्मिक जोन्स में कश्मीर, पश्चिमी और मध्य हिमालय, उत्तरी बिहार, उत्तर पूर्वी भारत और कच्छ के रण में भूकंप की आशंका सबसे ज्यादा है। शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन इज नॉट पॉसिबल एज ऑन टुडे बिकॉज़ नोवेयर वी कुड डू दैट, बट देयर इज सर्टेनली अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इज मेड इन सेइस्मोलॉजिकल रिसर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर यू नो एट लीस्ट इन सर्टेन प्लेसेस लाइक इन हिमालय वी शुड बी एबल टू टेल दैट यू नो दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज प्रोन फॉर अर्थक्वेक। These studies include geological studies, these studies include terrestrial measurements, include looking at the seismicity pattern. So there are areas where you don't have earthquake at all, like Bhutan. Bhutan segment is considered to be a gap.
So all these regions require closer monitoring, and that's the way we advance in earthquake forecasting. आज हम रिक्टर स्केल के नाम से भली भांति परिचित हैं। भूकंप के अध्ययन के लिए भूगर्भ विज्ञान की एक खास शाखा है जिसे सीस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप का पैमाना सीस्मिक तरंगों की लंबाई और भूकंप के केंद्र से सीस्मिक तरंगों की तय की गई दूरी के आधार पर मापा जाता है। इन आंकड़ों को एक फॉर्मूले से जोड़कर भूकंप का पैमाना तय किया जाता है। 8.6 पैमाने के भूकंप में इतनी ऊर्जा पैदा होती है जो दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए परमाणु बम से 10,000 गुना ज्यादा होती है। पैमाने पर हर यूनिट की बढ़ोतरी का मतलब ऊर्जा में करीब 30 गुना बढ़ोतरी होती है, यानी रिक्टर स्केल पर 6 पैमाने के भूकंप से पैदा होने वाली ऊर्जा 5 पैमाने के भूकंप से पैदा होने वाली ऊर्जा से 30 गुना ज्यादा होती है। धरती के भीतर होने वाली हलचल पर नजर रखने के लिए अभी और ज्यादा रिसर्च और बेहतर तकनीक की जरूरत है। वक्त आ गया है जब भूकंप से होने वाले विनाश से बचने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक साथ मिलकर काम करें और इसके नतीजों को बेअसर करने की नई तकनीक विकसित करें। ये तो इस बात की जानकारी थी कि आखिर भूकंप कैसे पैदा होते हैं, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि भूकंप से कैसे बचा जाए, भूकंप आने पर क्या करें और क्या ना करें। जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। भूकंप के दौरान घबराएं नहीं, लटकने वाले फर्नीचर और शीशे की खिड़कियों से दूर रहें, जितनी जल्दी हो सके खुले मैदान में जाने की कोशिश करें। अगर घर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं तो किसी भारी टेबल या दूसरे मजबूत फर्नीचर के नीचे छिपें। सबसे पहले अपने सिर को बचाने की कोशिश करें। जैसे हम इस रूम में बैठे हैं तो हमें कोई भी हैवी आर्टिकल जैसे ये टेबल है, इसके नीचे अपने आप को ड्रॉप कर लेना है और ऐसे बैठना है ताकि हमारा हेड इंजरी से हम बच सकें अपने आप को। ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल रहता है अपने आप को सेव करने के लिए। और वेट करनी चाहिए जब तक ट्रेमर्स ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक अपने आप को ऐसी पोजीशन में रखें ताकि कोई भी हैवी आर्टिकल अगर आपके ऊपर आए तो आप अपने हेड को किसी बुक या कोई ऐसे मोटी चीज़ से अपने आप को बचा सकें। भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, रसोई गैस की सप्लाई बंद कर दें और बिजली का मेन स्विच ऑफ कर दें। भूकंप के दौरान अगर आप वाहन में हैं तो अपने बाईं ओर खड़े हो जाएं। जब तक भूकंप खत्म नहीं हो जाता अपने वाहनों का इंजन बंद कर दें। इस दौरान दीवारों, वेल्डिंग मशीन, ऊंची इमारतों, टेलीफोन के खंभों और बिजली के तारों से दूर रहें। ट्रेन यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो भूकंप के दौरान खिड़की या दरवाजे से भागने की हड़बड़ी ना दिखाएं। इस दौरान समुद्र के किनारे भी नहीं रहना चाहिए बल्कि फौरन ऊंची जगह चले जाना चाहिए। भूकंप के बाद हल्के झटके आते रहते हैं, लिहाजा तेज भूकंप के बाद अगले कुछ दिनों तक सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। सबसे बढ़िया तो वही है, जैसे अगर आपको लगे कि अभी अर्थक्वेक रुक गया है तो अपने आप को सेफ शेल्टर में ले जाएं, ओपन में ले जाएं। जितना आप ओपन में रहेंगे उतना आप बचे रहेंगे, क्योंकि ये झटके कई बार दोबारा साथ साथ भी आ जाते हैं, कई बार रुक रुक के भी आते हैं। देखा गया है कि भूकंप के दौरान पुरानी और जर्जर इमारतों में जान माल का ज्यादा नुकसान होता है, लिहाजा भूकंप से बचने का सबसे बेहतर तरीका मजबूत और भूकंप रोधी इमारतों में रहना है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के ज्ञान विज्ञान में बस इतना ही, लेकिन विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचल से आपको रूबरू करवाने के लिए अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।